191 रीराइट योर लाइफ स्टोरी। ये बात तो आपने सुनी होगी कि आपके कोई भी सपना हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, वो करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपना टाइम वेस्ट किया हो, लेकिन जो आने वाला समय है, जो अभी का समय है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है। आप उस समय का इस्तेमाल करके अपने जीवन को लिख सकते हो। भले ही पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट चल रहा है और जो फ्यूचर आने वाला है, उसे आप अच्छा बना सकते हो। लेसन 92, प्लांट अ ट्री। यहाँ पे हम सभी से कहा जा रहा है कि हमें अपने जीवन काल में एक पौधा लगाना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप जब देखोगे उस पौधे को धीरे धीरे बड़ा होते हुए, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे समय जो है वो बीत रहा है। जैसे ही वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा और एक बड़े से पेड़ में बदल जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उस पौधे के साथ साथ आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, एक मनुष्य के रूप में आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो ग्रोथ है, वो भी आप देख पाओगे। और जब भी आप उस पौधे को देखोगे तो आपको ये एहसास होगा कि किस तरीके से उस पौधे के साथ साथ आपने भी अपने लाइफ में डेवलपमेंट किया है। और वैसे तो पौधा लगाना ही चाहिए। लेसन 93, फाइंड योर प्लेस ऑफ पीस। हम सभी इंसान हैं और कभी कभी हम भी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और उस वक्त हमें अकेलापन चाहिए होता है। हम अकेले रहना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं। तो उसके लिए ना आप एक जगह ढूंढ लो। वो कोई भी जगह हो सकता है, शायद किसी कमरे का कोना ही क्यों ना हो, या फिर किचन का कोना हो, कहीं भी हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है। तो आप वहाँ जाकर आराम से पीसफुली बैठ जाओ। और हर किसी का अक्सर ऐसा होता है कि जब भी वो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, तो वो अकेले रहना चाहेंगे, तो वो उसी वो जो जगह उन्होंने बनाया हुआ है ना, वो वहीं जाकर बैठ जाते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई जगह नहीं है तो आप भी बना सकते हो। और यकीन मानिए काफ़ी बार ये काम करता है और आपको मेंटल पीस मिल पाती है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तब। लेसन 94, टेक मोर पिक्चर्स। रॉबिन शर्मा ने ये बात 20 साल पहले कही थी, क्योंकि ये बुक जो है 20 साल पहले लिखी गई थी। तो आज का जो ज़माना है वो तो आज लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं, तो ये ज़्यादा कहने की बात नहीं है। तो जब आप पिक्चर्स लेते हो ना हर एक मोमेंट का, जब कोई सेलिब्रेशन है, या फिर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप जब तस्वीरें लेते हो ना, और कुछ सालों के बाद आप जब दोबारा उन तस्वीरों को देखोगे तो आप फिर से उन पल को जी पाओगे। इसीलिए आपको बहुत सारी फोटोज़ लेनी चाहिए। लेसन 95, बी एन एडवेंचरर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम सभी के अंदर ना एक एडवेंचरर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उसे दबा देते हैं। हम सभी के अंदर एक ऐसी उमंग होती है कि हम कुछ अलग से करें, और आपका जो कंफर्ट जोन है आप उससे बाहर निकल पाए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा कि इस उम्र में हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा मत सोचिए। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप अगर देखोगे तो मैराथन में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो भी दौड़ते हैं, तो ये क्या है, उनके लिए एक एडवेंचर की तरह है। और कोई भी एडवेंचर करने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। आप एडवेंचर वाले काम करिए, आप ट्रैकिंग पे जाइए, आप केव्स में जाइए, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्काई ड्राइविंग कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं। अगर मैं 50 साल की हूँ और मुझे कराटे सीखने का मन है तो मैं सीखूँगी। यही सारे एडवेंचर्स तो आपको आपके लाइफ की कीमत समझाते हैं, आपको लाइफ एंजॉय करना सिखाते हैं। इसीलिए अपने अंदर के उस एडवेंचर को कभी भी मरने मत देना।